वापस आ रही है सलमान खान की फिल्म वांटेड। कौन होगा इस फिल्म में? सलमान के लिए ये फिल्म कैसे लकी साबित होगी? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म निर्माता बॉनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि सलमान बॉनी को जानबूझकर इंतजार करवा रहे हैं। इसकी वजह बॉनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जाहिर है। फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें से वांटेड 2 का नाम कहीं नहीं था। संभवतः यही कारण है कि बॉनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में खुद सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बॉनी ने निर्देशक प्रभुदेवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बॉनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बॉनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 3 के बाद टाइगर की इमेज को बनना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को बहुत फायदा होगा। बॉनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कह दी है। बॉनी फिल्म की भागदौड़ प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हां की तो वह 2021 में वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। अगर टाइगर ने इस फिल्म के लिए हां कह दिया तो वह आज के समय के ऐसे पहले एक्टर बन जाएंगे जो 4 एक्शन फ्रेंचाइजी की किस्सा होंगे। आपको बता दें कि बागी एक एक्शन सीरीज है और इसके अलावा टाइगर गणपत और हीरोपंती के सीक्वल भी काम कर रहे हैं। गणपत 3 पार्ट में रिलीज होगी, इसलिए यह भी फ्रेंचाइजी में ही आएगी। टाइगर ने एक्शन हीरो के रूप में एक ऐसा बार सेट कर दिया है कि वहां तक पहुंचना तो दूर, बल्कि कोई एक्टर आज के जमाने में इतनी एक्शन फिल्म करने का भी नहीं सोच सकता। क्या वांटेड में सलमान की जगह टाइगर आएंगे दर्शकों को पसंद? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सलमान खान के डूबते हुए करियर को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया था और उसके बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी हर फिल्म इस फिल्म के बाद 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। पहचान गए दोस्तों? चलो हम ही बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं 2009 में रिलीज हुई उनकी फिल्म वांटेड की, जिसने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। 18 सितंबर 2009 उनकी फिल्म रिलीज हुई वांटेड, और फिल्म का डायरेक्शन किया था प्रभुदेवा ने और इसके प्रोड्यूसर थे बॉनी कपूर, और इसका म्यूजिक कंपोज किया था म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद और सलीम सुलेमान ने। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयशा टाकिया ने काम किया था। उनके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी एक्टिंग करते नजर आए। ये तेलुगु फिल्म पोखरी का रिमेक थी जिसमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने काम किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक एक्शन मूवी थी और अगर बात करें कहानी की तो ये एक ऐसे सीक्रेट पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जो सीक्रेटली गैंगस्टर्स के बीच में गैंगस्टर बनकर उनके सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर। तमिल फिल्म पोखरी की रीमेक है जिसे भी प्रभुदेवा ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों, प्रकाश राज ने इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाई है। और क्या आप जानते हैं कि सलमान से पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का रोल अपने लिए ठीक नहीं समझा था।